एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो चलिए बच्चा पहले ये जान लेते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है क्या बच्चा। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं विस्मयादि बोधक, यानी इस सेंटेंस का मतलब क्या होता है वो बताइए, हिंदी में बात मत कीजिए। तो विस्मयादि बोधक का मतलब अगर थोड़ा सा एलिबोरेट किया जाए, उसका मतलब होता है बच्चा ऐसे वाक जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपनी भावनाओं का क्या करता है बच्चा, जोरदार तरीके से व्यक्त करता है। हम क्या बोले बच्चा कि एक ऐसा सेंटेंस जिसमें क्या हो, कोई भी व्यक्ति कोई भी पर्सन क्या करे अपने फीलिंग को जोरदार तरीके से क्या करे बच्चा, एक्सप्रेस करे, उस सेंटेंस को क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे एग्जांपल समझते हैं बच्चा, जैसे यहाँ पे लिखा है कि वी हैव ऑन द मैच, हम मैच जीत गए। कोई अगर आपसे पूछा कौन मैच जीता भाई, तो आप बोल दिए हम मैच जीत गए, ये तो बोल दिए हम मैच जीत गए, लेकिन ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है बच्चा इस सेंटेंस में कि आप मैच जीतकर खुश नहीं हो, क्योंकि हो सकता है उस मैच में आप सेंचुरी वेंचुरी नहीं मारे हो। लेकिन वही कोई पूछता है कि बच्चा आप कौन मैच जीता, तब बोलते हो हुर्रे वी हैव ऑन द मैच, मतलब कि हमने मैच जीत गया। इस सेंटेंस से लग रहा है बच्चा कि आप मैच जीतकर बहुत ज्यादा खुश हो, लग रहा है कि उस मैच में आपने शतक मार दिया हो। इस तरीके से क्या होता है, हमको क्या होता है बच्चा, फीलिंग झलकता है किसमें बच्चा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। ठीक है, तो अब यहां पर हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे कैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन इससे पहले एक बार भी समझ लेते हैं कि हम क्या बोले बच्चा, एक्सक्लेमेटरी क्या होता है, हम अपनी भावनाओं क्या करते हैं जोरदार तरीके से क्या करते व्यक्त करते, तो वो भावना किस प्रकार से हो सकता है। तो बच्चा वो भावना हमारा क्या हो सकता है, खुशी हो सकता है, या फिर हमारा हर्ष हो सकता है, हंस कर हम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, या फिर आश्चर्य हो सकते हैं, कोई काम होता है तो उससे सरप्राइज हो जाते, तो इस तरीके से भी हम अपने भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं बच्चा। किसी का प्रशंसा करके भी हम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करते हैं, या फिर किसी बात पर अफसोस करें पश्चाताप करें, इस तरीके से भी अपनी भावनाओं क्या करते हैं हम लोग व्यक्त करते बचते। और भी तरीका बच्चा, किसी पर हम लोग क्या करते हैं घृणा करते, छी 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 छी, इस तरीके से भी कहकर हम लोग क्या करते हैं अपनी क्या कर सकते हैं भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। तो जिस सेंटेंस बच्चा हमें कैसा मिले, कैसा अर्थ मिले, अगर हैप्पी वाला अर्थ मिले बच्चा, तो उसके साइड में हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एक्सक्लेम विद जॉय में कन्वर्ट कर देते हैं। सर हमें कैसे पता कि स्टेटमेंट में किस स्टेटमेंट में खुशी की बात कर रहा है, गम की बात कर रहा है, या फिर सरप्राइज की बात कर रहा है? तो बच्चा ये देखो आपके लिए है कि जिस सेंटेंस में वाओ हुर्रे हा ये शब्द मिल जाएंगे, इसका मतलब समझ लेना कि उन सेंटेंस के साइड में आपको किसको चेंज करना बच्चा, एक्सक्लेम विद जॉय में चेंज कर देना। जिस सेंटेंस में आपको क्या मिलेगा, व्हाट माय गॉड, तो उस सेंटेंस के साइड को किस में चेंज कर देना बच्चा, एक्सक्लेम विद सरप्राइज में चेंज करना है। जिस सेंटेंस में आपको वेल डन ब्रावो ये शब्द मिलेगा, उन सेंटेंस के साइड को किस में चेंज कर देंगे, एक्सक्लेम विद अपॉल्स में चेंज कर देंगे। ठीक है, चलिए एग्जांपल हम लोग समझते हैं बच्चा, एग्जांपल हम लोग समझ कर क्या करेंगे, प्रैक्टिस कर सीख लेंगे। चलिए तो बच्चा हमारा पहला क्वेश्चन है, ही सेड इनवर्टेड कॉमा हुर्रे माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम। बच्चा ये देखिए, इस सेंटेंस में आपको क्या मिला, हुर्रे, इसका मतलब समझ लेना इस सेंटेंस में क्या है, खुशी की बात है। तो सेड की जगह पर क्या लाओगे, एक्सक्लेम विद जॉय लाओगे। तो चलिए बनाने शुरू करते हैं, सीखना भी शुरू करते हैं। तो पहले सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे बच्चा, किस तरीके से, देखिए ही सेड को किस में चेंज करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। चलिए लिखना शुरू करते हैं, एक्सक्लेम्ड विथ ज्वाइन। ठीक है, ये लिख लिए। अब इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए बच्चा सभी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसका प्रयोग करेंगे, दैट का हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ तक भी हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे बच्चा, हुर्रे को हटा देंगे, क्योंकि हुर्रे का मतलब क्या होगा बच्चा, ज्वाइन होगा। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, माई ओल्ड फ्रेंड। तो माई ओल्ड फ्रेंड बच्चा, माई आपका क्या बच्चा, एक पर्सन है, पर्सन है तो क्या करोगे, चेंज करोगे ना। तो कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, किसके रिकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट की रिकॉर्डिंग चेंज होगा। यहाँ पर सब्जेक्ट मेरा ही है, तो क्या करोगे बच्चा, ही को किस में कन्वर्ट कर दोगे, पॉजिटिव फॉर्म में चेंज कर दोगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर माई क्या है, पॉजिटिव फॉर्म में। तो यहाँ पर क्या करोगे, माई को क्या, ही को क्या करोगे बच्चा, पॉजिटिव फॉर्म में चेंज करोगे। तो क्या होगा, क्या लिखोगे, हीज लिखोगे, क्या लिखोगे बच्चा, हीज लिखोगे। ठीक है, उसके बाद क्या लिखोगे, ओल्ड फ्रेंड, ओल्ड फ्रेंड हैज है बच्चा, हैज कौन सा सेंटेंस आपका, ये सेंटेंस कौन सा, अगर हैज आ गया तो इसका मतलब ये कौन सा सेंटेंस हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट है। तो प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज किया जाता है, पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैड होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे बच्चा, हम लोग हैड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हैड लिखेंगे। ठीक है, और क्या लिख देंगे, कम लिख देंगे। ठीक है,
अगला क्वेश्चन बोल रहा है सी सेड इनवर्टेड कॉमा अलाउस आई लॉस्ट माय फोन। बच्चा यहां ध्यान रखो अलाउस लिखा है, तो बच्चा जिस सेंटेंस में आपको क्या मिल जाएगा अलाउस मिल जाएगा, इसका मतलब समझना वो सेंटेंस कैसा होने वाला बच्चा, दुखी वाला सेंटेंस होगा, शोक वाला सेंटेंस होगा, और उस सेंटेंस के सैड में किसमें चेंज कर देंगे, उस सेंटेंस को सैड को किसमें चेंज कर देंगे, एक्सक्लेम विद सॉरो के रूप में चेंज कर देंगे। तो इस सेंटेंस को चलिए बनाकर हम लोग सीखते हैं कैसे बनाएंगे बच्चा, सी कैसे बनाएंगे बच्चा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में तो लिखेंगे सी सैड के जगह पर क्या लेंगे बच्चा, हम क्या सीखे थे कि जिस सेंटेंस में अलास आ जाता उसके सैड को किसमें परिवर्तित कर देते हैं, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो में चेंज कर देते हैं सैड को, ठीक है ये बात हम सीख कर आए हैं। फिर इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे बच्चा, फिर उसके बाद अलास नहीं लिखेंगे, क्योंकि अलास इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि सैरो का मतलब ही क्या होता है, सैरो का मतलब ही क्या होता है बच्चा, दुखी मतलब होता है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे आई, लेकिन आई नहीं लिखेंगे उसको चेंज करके लिखेंगे, क्योंकि आई मेरा क्या एक पर्सन है, ठीक है, पर्सन को क्या करते हैं हम लोग चेंज करते हैं, तो आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा बच्चा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है सी, ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे बच्चा, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे सी लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखा बच्चा लॉस्ट माय फोन, तो क्या लिखेंगे लॉस्ट माय फोन नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे सर, क्योंकि ये क्या हमारा बच्चा कौन सा सेंटेंस, ध्यान से देखिए ये हमारा सेंटेंस कौन सा, पढ़िए अब ध्यान रखिए कौन सा सेंटेंस, ये हमारा सेंटेंस बच्चा पास्ट मेरा क्या है इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट में बच्चा किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो सी के बाद क्या आता है बच्चा, सॉरी मतलब कि सब्जेक्ट के बाद क्या आता है बच्चा, हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा सी के बाद क्या लग जाएगा हैड आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस किसमें था पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट को किसमें कन्वर्ट करेंगे हम लोग, पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो सी के बाद क्या आएगा हमारा हैड आ जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट बाद क्या आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे बच्चा हम लोग लिखेंगे लॉस्ट, ठीक है, लिखेंगे बच्चा लॉस्ट माई, फिर माई को क्या करेंगे बच्चा चेंज करेंगे, क्यों, क्योंकि ये भी फिर मेरा क्या एक पर्सन है, कौन सा पर्सन है फर्स्ट पर्सन है, तो सी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सी को किसमें चेंज कर देंगे पॉजिटिव फॉर्म में, क्योंकि माई मेरा किस फॉर्म है पॉजिटिव फॉर्म है, तो सी का पॉजिटिव फॉर्म क्या होता है बच्चा हर होता है, और फोन को क्या लिखेंगे हम लोग फोन ही लिखेंगे, मेरा ये क्या हुआ सेंटेंस बन गया। चलिए अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं हम लोग। अगला सेंटेंस हम बड़ा बोल रहा है दे सेड ओह द मैन हैज कम टू अगेन। अच्छा बच्चा ये ध्यान से देखिए, सेंटेंस एक बार पढ़िए और खुद से समझिए कि सेंटेंस क्या कह रहा है। सेंटेंस ये कह रहा है कि वे कहा, क्या वे कहा बच्चा, क्या वे कहा, कहा कि वो आदमी फिर से अपने लाइफ में आ गया, फिर से अपने लाइफ में आ गया बच्चा। तो क्या हो रहा है बच्चा कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो क्या हो रहा है बच्चा, हल्का सा क्या हो रहा है कि वो उम्मीद सबको ये लग रहा है कि वो क्या हो रहा है वो मर जाएगा, लेकिन क्या होता है कि अचानक से ये होता है कि वो जी जाता है, तो लोग क्या होते हैं बच्चा सरप्राइज हो जाते हैं ना, तो ओ को किसमें चेंज करेंगे बच्चा, सरप्राइज में चेंज करेंगे भाई, किसमें चेंज कर देंगे सरप्राइज में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे बच्चा, देखिए इसको कैसे बनाएंगे, लिखेंगे इसको दे, जैसे क्या होता है सीरियल में होता है, जैसे हाँ ये याद है कैसे बच्चे सीरियल में क्या होता है कि मरते 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 वाला रहेगा, लेकिन अचानक से क्या होता है कोई कोई आएगा अचानक से क्या करता है उसको बचा लेता है, धूम तनाना नाना वाला चीज, ठीक है। तो क्या होता है बच्चा, तो वहाँ पर क्या हो जाता है सब लोग क्या हो जाते हैं सरप्राइज हो जाते हैं, तो इसको इसी तरीके से लिखेंगे दे सेट के जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग, अगर अगर सरप्राइज वाला सेंटेंस रहता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, देखिए यहाँ पर अगर हमारा सेंटेंस किसमें हो बच्चा, अगर हमारा सरप्राइज वाला रहता है आश्चर्य वाला रहता है तो सेट की जगह पर हम लोग क्या लगाते हैं, क्या लिखते हैं एक्सक्लेम विद सरप्राइज लिखते हैं, तो यहां पर क्या लिखेंगे सेट की जगह पर क्या लिखेंगे बच्चा हम लोग एक्सक्लेम विद सरप्राइज, ओ बच्चा ओ का मतलब यहां पर क्या है सरप्राइज है, इसलिए नहीं लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा हटा के किसका प्रयोग करेंगे हम लोग दैट का प्रयोग करेंगे। फिर बच्चा क्या लिखा है द मैन, तो क्या लिख देंगे द मैन। अब ये सेंटेंस क्या है मेरा, ध्यान देखिए हैज इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट किसमें चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, तो हैज का क्या हो जाएगा हैड हो जाएगा। फिर क्या लिखेंगे कम टू, उसके बाद क्या लिखा बच्चा लाइफ अगेन, तो लाइफ अगेन लिख देंगे हम लोग लाइफ अगेन, ये भी मेरा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। तो चलिए अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है बच्चा, क्वेश्चन नंबर फोर देखिए बोल रहा है ही सेड टू ही सन इन्वर्टेड कॉमा ब्राओ यू प्लेड वेल। बच्चा पहले ये देख लो जिस सेंटेंस में ब्राओ आता है तो उस सेंटेंस का मतलब क्या होता है, वो सेंटेंस हमें सेंस क्या देता है, तो जिस सेंटेंस बच्चा ब्राओ आता है उस सेंटेंस हमें क्या देता है बच्चा, उस सेंटेंस का मतलब होता है, उस सेंटेंस में क्या
हो रहा है, प्रशंसा किया जा रहा है, और उस सेंटेंस को, उस सेंटेंस में जो सेट रहता है उस सेट को किसमें चेंज कर देते हैं, एक्सक्लेम्ड विथ एपॉल्स में चेंज कर देते हैं। किसमें चेंज कर देते बच्चा, एक्सक्लेम्ड विथ एपॉल्स में क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। तो चलिए हम लोग भी बना लेते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे बनाएंगे, लिखेंगे ही और सेट की जगह पर क्या लेंगे बच्चा, हम लोग लिखेंगे एक्सक्लेम विथ एपॉल्स लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इस सेंटेंस में क्या है, ब्रावो, ब्रावो का मतलब यहां पर क्या कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है। तो क्या लिखेंगे बच्चा, ही एक्सक्लेम्ड विथ एपॉल्स, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए किसका, सॉरी उसके बाद क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन हाँ याद कर लीजिए नोट, बात ये याद कर लीजिए बच्चा, नोट या नोटी, हाँ ये वाला नोट, इसमें नोट करिए कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, किस सेंटेंस बच्चा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं, रिपोर्टेड वर्ब में जो ऑब्जेक्ट होता उस ऑब्जेक्ट को नहीं लिखते हैं। आई रिपीट माई स्टेटमेंट कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बच्चा क्या होता है, रिपोर्टेड वर्ब में जो क्या होता है, रिपोर्टेड वर्ब में बच्चा जो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, उस ऑब्जेक्ट को हम लोग मेंशन नहीं करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते समय। तो ये गलती मत करिएगा कि आप क्या लिख दो, यहाँ पे हिस्सा लिख दो, मत लिखना, ठीक है बच्चा। तो हिस्सा नहीं लिखेंगे, उसके बाद इनवर्टेड कॉमा हटाने किसका प्रयोग करेंगे बच्चा, दैट का हम लोग प्रयोग करेंगे। फिर बच्चा ये लिखा यू प्लेड वेल, तो बच्चा इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे बच्चा, तो देखिए यू क्या है बच्चा, बताओ ना बच्चा यू क्या है, मेरा सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा बच्चा, ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, हिज सन यानी लड़का, यानी यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं हम लोग, ही का प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ पे किसका प्रयोग कर सकते हैं हम लोग बच्चा, ही का प्रयोग कर सकते हैं, किसका प्रयोग कर सकते हैं बच्चा, ही का प्रयोग यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ही का प्रयोग कर लिए, तो यू जो है बच्चा किसके रिकॉर्डिंग चेंज होगा, ही की रिकॉर्डिंग चेंज होगा, और यू मेरा किस केस में बच्चा, सब्जेक्टिव केस में है, तो ही को सब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे, और ही का जो सब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है, ही होता है, इसलिए यहां पर क्या लिख देंगे, ही लिख देंगे। और यहां पर बच्चा ये कौन सा सेंटेंस, देखिए पास्ट मेरा इंडेफिनिट है, ठीक है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और प्ले में सेकंड फॉर्म लगा, इसका मतलब समझ लीजिएगा कि पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस, अगर पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है तो किसमें चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, और पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैड होता है, ठीक है। तो ही के बाद क्या लिख देंगे हम लोग, हैड लिख देंगे, राइट। उसके बाद क्या आएगा बच्चा, हम क्या लिख देंगे, वेल लिख देंगे, इसमें कोई चेंजेस हम लोग नहीं करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते बच्चा, बोल रहा है पो सेड द प्रिंसिपल टू रमेश यू हैव अगेन फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। बच्चा यहाँ पर प्रिंसिपल जो है रमेश यानी स्टूडेंट से बोला है कि छी 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 तुम दोबारा फिर से क्या होगे, एग्जाम में फेल होगे। तो कैसे बोल रहा बच्चा, घृणा करके बोल रहा है, कैसे बोल रहा बच्चा, घृणा करके बोल रहा है। तो बच्चा जिस सेंटेंस में हम क्या बोले, जिस सेंटेंस में बच्चा पू या फिर नॉनसेंस या फिर फाइ फाइ ये शब्द आ जाएंगे, तो उस सेंटेंस के सैड को किसमें चेंज कर देंगे, एक्सक्लेम विद कॉन्टेम्प्ट में चेंज कर देंगे। आई रिपीट माई स्टेटमेंट कि उस सेंटेंस के सैड को किसमें चेंज कर देंगे, एक्सक्लेम्ड विद कॉन्टेम्प्ट में हम लोग चेंज कर देते हैं। तो चलिए आइए हम लोग बनाते भैया कि हम लोग कैसे हमारा ये सेंटेंस बनेगा। तो देखिए कैसे लिखेंगे बच्चा, तो रिपोर्टेड वर्ब को पहले किसके लिखते हैं, सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या भैया, कौन बोल रहा है तुम बहुत गंदे हो, इस टाइप का कौन बोल रहा है, प्रिंसिपल बोल रहा है बच्चा। तो किस तरीके से लिखेंगे, द प्रिंसिपल लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चा यहाँ पर, द प्रिंसिपल, फिर सेट टू की जगह पर क्या लाएंगे हम लोग, एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विथ कॉन्टेम्प्ट, ये लिखेंगे बच्चा। जिस सेंटेंस में घृणा की बात किया जाए उस सेंटेंस के सेट को किसमें चेंज कर देंगे, एक्सक्लेम विद कॉन्टेम्प्ट में चेंज कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद बोले थे बच्चा रमेश को नहीं लिखेंगे, क्यों सर, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को मेंशन नहीं किया जाता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते समय, दैट्स वाई हम यहाँ पर रमेश को नहीं लिखेंगे। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, दैट का प्रयोग करेंगे। दैट के बाद क्या लिखेंगे बच्चा, यू को हम लोग कन्वर्ट करेंगे, किसके थ्रू करेंगे बच्चा, यू मेरा कौन सा प्रीपोजिशन है, सॉरी कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, तो किसके रिकॉर्डिंग चेंज होगा, हाँ ऑब्जेक्ट की रिकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, रमेश है। तो यहाँ पे क्या करें बच्चा, हम यहाँ लिख देंगे रमेश, क्या लिख देंगे बच्चा यहाँ पर, रमेश लिख देंगे। सर हम तो क्या करते हैं, हम तो क्या करते हैं सर, हम यहाँ पर क्या करते हैं, नाम नहीं लिखते, हम क्या करते हैं प्रोनाउन लिखते हैं यहाँ पर ना। तो सर इस बार नाम क्यों लिख दिए, इसलिए लिख दिए बच्चा क्योंकि हमारा रिपोर्टेड वर्ब में ऑब्जेक्ट को लिखा नहीं गया है। अगर ऑब्जेक्ट को लिखा गया होता रिपोर्टेड वर्ब में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते समय, तो यहाँ पर क्या करते हम लोग, रमेश को चेंज कर देते बच्चा
प्रोनाउन में ही लिख देते, बट यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, हम लोग क्या किए बच्चा, हम लोग ऑब्जेक्ट के रूप में रमेश को नहीं लिखे हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसीलिए बच्चा यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिखेंगे, हम लोग प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे और क्या लिखेंगे, रमेश लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चा। तो यू की जगह पर क्या आ जाएगा बच्चा, रमेश आ जाएगा। अब लिखा हैव लिखा है, हैव का मतलब सेंटेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट आपका परफेक्ट हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, इसमें चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में, चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब हैड होता है सर, तो यहाँ पर हैड लिख देंगे। अगेन फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, सेम टू सेम यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे बच्चा, फेल्ड, अगेन फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, सेम टू सेम यही वर्ड यहाँ पर आगे लिख देंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बच्चा छठवा, ही सेड इन्वर्टेड कामा सॉरी आई एक्सप्लॉयड योर प्लान। बच्चा इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, हमें किसका भावना दे रहा है बच्चा, तो हमें अफसोस का भावना दे रहा है, प्रस्तावक का भावना दे रहा है, क्योंकि सॉरी बोला ना कि मेरे वजह से क्या हुआ, मैं क्या किया तुम्हारा प्लान क्या किया खराब कर दिया, तो बच्चा ये क्या अफसोस की भावना व्यक्त कर रहा है इस सेंटेंस में। चलिए देख लीजिए आप इस चार्ट के थ्रू कि जिस सेंटेंस में सॉरी आता है उस सेंटेंस में बच्चा किसका मीनिंग देने लगता है, अफसोस का या फिर प्रस्ताव का करता है, भावना देने लगता है। और उस सेंटेंस के सैड को किसमें चेंज कर देते हैं, एक्सक्लेम विद रिग्रेट में चेंज कर देते हैं, किसमें चेंज कर देते हैं, एक्सक्लेम विद रिग्रेट में क्या करते हैं बच्चा, हम लोग चेंज कर देते हैं। तो चलिए चेंज कर देते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट इस सेंटेंस को भी, तो क्या लिखेंगे, ही सैड की जगह क्या आएगा बच्चा, एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट आएगा, क्यों, क्योंकि सॉरी यहां पर लिखा है, जिस सेंटेंस में सॉरी रहता है अफसोस वाला रहता है, तो उसके सैड को किसमें चेंज कर देते हैं, एक्सक्लेम विद रिग्रेट में चेंज कर देते हैं, तो हम लोग भी चेंज कर देंगे, एक्सक्लेम्ड विथ क्या लिखेंगे बच्चा, रिग्रेट। इन्वर्टेड कॉमा हटाते समय किसका प्रयोग करेंगे, दैट आई मेरा फर्स्ट पर्सन है, जिसको चीज किसकी रिकॉर्डिंग चेंज करेंगे, हम लोग सब्जेक्ट की रिकॉर्डिंग चेंज करेंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या ही, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे बच्चा, हम लोग ही लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद लिखा स्पॉइल्ड, तो एक बार रुकिए ये कौन सेंटेंस है, ध्यान से देखिए ये कौन सेंटेंस बच्चा, देखिए पहचानिए, पहचानिए आप लोग, पहचानना आप ही लोग को है, आप ही लोग को करना है। ठीक है, खुद से मेहनत करो, खुद से अगर मेहनत नहीं करोगे तो छपी छपाई वाला ज्ञान आपको पेपर में नहीं आएगा, वहां पर आप क्या होगे बच्चा, फंस जाओगे। जब खुद से मेहनत करते रहोगे तो क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस बना रहेगा, और पेपर में अगर मान लीजिए इससे हट कर कुछ क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे। ये कौन सा क्वेश्चन है, सॉरी ये कौन सा सेंटेंस बच्चा, देखिए कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, इट मीन्स दैट ये सेंटेंस क्या है हमारा, पास्ट इन्फिनिट। अगर पास्ट इन्फिनिट है तो किसमें कन्वर्ट करेंगे हम लोग, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट का क्या होता है हेल्पिंग वर्ब, हैड होता है, तो क्या आ जाएगा, ही के बाद क्या आ जाएगा बच्चा, हैड आ जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे हैड लिख देंगे बच्चा, योर मेरा सेकेंड पर्सन है, इन द फॉर्म ऑफ किसमें बच्चा, पोजेसिव में है, तो क्या किसके रिकॉर्डिंग चेंज करते हैं बच्चा, हम लोग अगर सेकेंड पर्सन रहता है रिपोर्टेड स्पीच में तो किसके रिकॉर्डिंग चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट रिकॉर्डिंग में, और इस सेंटेंस में, और इस सेंटेंस में कोई हमारा ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो क्या होता है बच्चा, जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं रहता है रिपोर्टेड वर्ब में, उस वर्ब उस सेंटेंस में क्या करते हैं बच्चा, अपने से क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करिए, मी मान लीजिए, हिम मान लीजिए, कोई भी मान सकते हैं, बट सबसे बेस्ट जो रहता है वो मी रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए मी, तो सेकेंड पर्सन हमारा क्या है बच्चा, योर है। ठीक है, मतलब योर जो हमारा सेकेंड पर्सन है, तो किसके रिकॉर्डिंग चेंज होगा, मेरे ऑब्जेक्ट रिकॉर्डिंग, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हम मान के चलें क्या बच्चा, मी, तो मी को कन्वर्ट कर देंगे, किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे बच्चा, पोजेसिव फॉर्म में चेंज कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर योर किस फॉर्म में, पोजेसिव फॉर्म में, तो मी का पोजेसिव फॉर्म क्या होता है, माई होता है, और यहाँ बच्चा प्लान लिखा है, तो क्या लिख दोगे आप लोग, प्लान लिख दोगे। इस तरीके से आपका ये भी सेंटेंस क्या हो गया बच्चा, बन गया। हम लोग सीख लिए कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अगर कोई भी मान लीजिए पश्चाताप हो रहा है या फिर कोई अफसोस हो रहा है, तो उस सेंटेंस को कैसे बनाया जाएगा, ये भी हम लोग सीख लिए। चलिए अगले टाइप का क्वेश्चन हम सीखना चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चा, ही सेड इन्वर्टेड कॉमा व्हाट अ लवली गार्डन इट इज। अब मान लीजिए आप कहीं गए हैं घूमने, और कहीं घूमने गए हैं, वहां पर गार्डन देखकर आप सरप्राइज हो जा रहे हो ना, तो कितना अच्छा बढ़िया गार्डन है, तो वहां पर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं बच्चा, व्हाट का प्रयोग करते हैं, या फिर बच्चा किसका प्रयोग कर लेते हैं यहाँ पर, हाउ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जब हम लोग क्या होते हैं, सरप्राइज होते हैं, तो किसका प्रयोग करते हैं बच्चा, व्हाट का, हाउ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर व्हाट अ लवली गार्डन इट इज का मतलब ये नहीं कि क्या यह गार्डन बढ़िया, क्या यहाँ सब नहीं दे रहा है, यहाँ पर क्या का मतलब है बच्चा, बहुत ज्यादा सुंदर है, वो देख बहुत ज्यादा क्या हो गया, सरप्राइज हो गया। तो यहाँ पर मैप में देख लीजिए, यानी अपने चार्ट में देख लीजिए कि जिस सेंटेंस में व्हाट आ जाए या फिर माय गॉड आ जाए, वहां पे क्या होता है बच्चा, उस सेंटेंस में हमें क्या होता है, हैरानी होता है, और क्या करते हैं, उस सेंटेंस के सैड को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, एक्सक्लेम विद सरप्राइज में चेंज कर देते हैं। तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, जैसे हम बना रहे उस तरीके से बनाएंगे, आप सीख कर आप भी बनाना शुरू कर देंगे बाद में। तो चलिए बनाना सीखते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, और
व्हाट आया, यानी सेंटेंस में क्या हो रहा है, सरप्राइज हो रहा है। सर हम कैसे पहचानेंगे कि ये व्हाट वाला हमारा सरप्राइज है? तो बच्चा यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, थोड़ा सा मिसप्रिंट ये हो गया कि व्हाट के बाद क्या आएगा, एक आपका क्या होता है उल्टा आई आता है। क्या आता है? उल्टा आई। उल्टा आई का मतलब ये होता है एक्सक्लेमेटरी मार्क। जिस सेंटेंस में ये उल्टा आई का सिंबल रहेगा, वो समझ लेना कि वो सेंटेंस क्या है आपका, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, बट यहाँ पर क्या है व्हाट के बाद क्या आपका ये उल्टा आई है, यानी एक्सक्लेमेटरी मार्क है। तो यहाँ पर बच्चा चलते अपने सेंटेंस की तरफ जल्दी से। सेट को किसमें चेंज कर देंगे हम लोग? हम लोग चेंज कर देंगे एक्सक्लेम विद सरप्राइज। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, हमको सरप्राइज हो रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या लिखेंगे सेट की जगह पर, क्या लिखेंगे एक्सक्लेम विद, क्या लिखेंगे बच्चा एक्सक्लेम विद, क्या लिखेंगे एक्सक्लेम विद सरप्राइज, क्या लिखेंगे स्लैम विथ सरप्राइज। इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं, हम किसका प्रयोग करेंगे, हम लोग दैट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे बच्चा, उसके बाद क्या लिखेंगे, एक नोट पॉइंट और लिख लीजिए। अभी तक उस टाइप का क्वेश्चन नहीं आया था तो हम नहीं बताए थे, एक नोट पॉइंट और लिख लीजिए कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को, किस सेंटेंस को बच्चा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते समय असरेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं हम लोग, चेंज करते हैं। सर असरेटिव सेंटेंस का मतलब, असरेटिव सेंटेंस का मतलब कि अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस होता है, यानी सेंटेंस मेरा पॉजिटिव में रहेगा या फिर निगेटिव। तो सेंटेंस को पॉजिटिव और निगेटिव बनाते समय क्या करते हैं, सब्जेक्ट को पहले लाते हैं। इसीलिए क्या करेंगे बच्चा, इसीलिए क्या करेंगे बच्चा, डेट के बाद क्या आएगा मेरा, सब्जेक्ट पहले आएगा। यहाँ सब्जेक्ट मेरा क्या है, इट है, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग, इट लिख देंगे। क्या लिख देंगे बच्चा, हम लोग इट लिख देंगे। ठीक है सर। और बच्चा यहाँ पे क्या है, इज है, इज है, इसका मतलब कौन सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसमें चेंज होता है, पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस क्या होता है सर, हेल्प में उसमें क्या होता है, वाज वर्ब होता है। इट के साथ क्या लगेगा, वाज, क्योंकि इट क्या होता है सिंगुलर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वाज लग जाएगा, वाज लग जाएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे बच्चा, और लिखेंगे, उसके बाद लवली गार्डन लिख देंगे। हाँ लवली गार्डन लिखेंगे, बट इससे पहले क्या करेंगे, एक एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। वो एडजेक्टिव क्या करेगा, ये शो करेगा कि बहुत बढ़िया क्या है, गार्डन है। तो बहुत बढ़िया किसका प्रयोग करते हैं बच्चा, हम किसका प्रयोग करते हैं, हम किसका प्रयोग करते हैं, हम वेरी का प्रयोग करते हैं बहुत बढ़िया के लिए। ठीक है, वेरी के लिए तो क्या लिखेंगे, अ वेरी लवली गार्डन लिख देंगे। ठीक है, फुल स्टॉप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन को हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे बच्चा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वाले को। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है द चाइल्ड हाउ, क्या बोला बच्चा, द चाइल्ड सेड हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इस सेंटेंस में भी हमको क्या हो रहा है, सरप्राइज हो रहा है। क्या महसूस हो रहा बच्चा, सरप्राइज वाला हमको क्या हो रहा है बच्चा, फीलिंग आ रहा है। क्यों आ रहा है सर, क्योंकि देखिए क्या हो रहा है, जो बच्चा है बच्चा वो क्या करता है, फ्लावर को देखकर क्या बोलता है कि कितना सुंदर ये फ्लावर है, सरप्राइज हो जाता है। मानो कि उस बच्चा क्या है, ऐसा फूल देखा ही नहीं हो, उस फूल को देखकर बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, सरप्राइज हो जा रहा है। सर आपको कैसे पता सर, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, हाउ लिखा है, क्या लिखा बच्चा, हाउ लिखा है। तो जिस सेंटेंस में बच्चा हाउ व्हाट आ जाता है, तो उस सेंटेंस में समझ लीजिए किसका किसका बात किया गया है, सरप्राइज का बात किया गया है। तो इसको कैसे बनाएंगे सर, चलिए बनाना सीखते हैं सर। ठीक है, अब जिस सेंटेंस में सरप्राइज रहता है उसके सेट को किस में चेंज करते हैं, एक्सक्लेम विद सरप्राइज में चेंज करते हैं। पहले में देख कर ही आए हैं, तो चलिए लिखते हैं द चाइल्ड एक्सक्लेम्ड विथ, एक्सक्लेम विथ बच्चा सरप्राइज, एक्सक्लेम विथ सरप्राइज। इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए इसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक, उसके बाद बच्चा अभी बताएं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को किस में चेंज करते हैं, असरेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं। असरेटिव सेंटेंस का मतलब कि सेंटेंस किससे शुरू होगा, सब्जेक्ट से शुरू होना चाहिए। यहाँ पर तो सर जी हमारा सब्जेक्ट दिया नहीं है। तो जब भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं दिया होता है तो आप सब्जेक्ट के रूप में किसको मान सकते हो बच्चा, इट को मान सकते हो। किसको मान सकते हो, इट को मान सकते हो। किसको मान सकते हो बच्चा, इट को मान सकते हो सब्जेक्ट के रूप में। इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जब हमारा सब्जेक्ट के रूप में कोई भी नहीं हो तब, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बच्चा, हम यहाँ पर लिख सकते हैं इट लिख सकते हैं। सेंटेंस फिर इज है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। अभी ऊपर वाले में बताया था ना, इस था वाज हो गया था, तो यहाँ भी इज है तो क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा बच्चा। फिर उसके बाद लिखा है ब्यूटीफुल द फ्लावर, तो बच्चा ब्यूटीफुल द फ्लावर के पहले क्या करेंगे, एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। किस एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, जो एडजेक्टिव क्या करे, हमें ये बताए कि फूल कितना सुंदर है।
तो कितना सुंदर के लिए क्या करते बच्चा हम लोग ग्रेट का प्रयोग कर लेंगे या फिर वेरी का प्रयोग कर लेंगे। तो ये क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, लिख सकते हैं बच्चा ग्रेट द, थोड़ा सेंस अच्छा नहीं लगेगा, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, वेरी ब्यूटीफुल लिख देंगे, वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर ये लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ग्रेट का मतलब बच्चा वो सेंस नहीं दे पाता, इसलिए हम क्या किए हैं ग्रेट का प्रयोग नहीं करके हम किसका प्रयोग किए हैं, वेरी का प्रयोग किए हैं। आप हाउ व्हाट के जगह पर क्या कर सकते हो बच्चा, वेरी या फिर किसका प्रयोग कर सकते हो, ग्रेट का भी प्रयोग कर सकते हो। बट यहाँ पर ग्रेट मजा नहीं देता सेंटेंस बोलने में, भी अच्छा नहीं लगता। देखिए ना इस तरीके से बोलेंगे इट वॉज अ ग्रेट ब्यूटीफुल फ्लावर, अच्छा नहीं लगता ना, इस तरीके से अच्छा लगेगा इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर बच्चा हम वेरी का प्रयोग किए हैं, इसके स्थान पर ग्रेट का भी प्रयोग हो सकता है। ठीक है, ये बताने के लिए कि फूल कितना है इसलिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन और बढ़िया बच्चा, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या बोला ध्यान देखिए, ही सेड व्हाट एन अपॉर्चुनिटी। इस सेंटेंस में ना ही हमारा कोई हेल्पिंग वर्ब है और ना ही हमारा कोई सब्जेक्ट है, तो इनको कैसे बनाएंगे बच्चा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, चलिए देखिए। तो पहला इसमें नोट करके आप लिख सकते हैं एक चीज, क्या लिख सकते हैं बच्चा, नोट करके एक चीज लिख सकते हैं कि जिस सेंटेंस में, वो भी कौन सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, कि जिस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और हमारा सब्जेक्ट नहीं होता है, उस सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं सब्जेक्ट के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब किसके रूप में प्रयोग करते हैं बच्चा, वाज के रूप में प्रयोग करते हैं, क्योंकि इट मेरा सिंगुलर है इसलिए इट के साथ क्या लगेगा, वाज ही लगेगा। तो ये बात याद कर सकते हो कि जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और हमारा सब्जेक्ट नहीं होता, तो उस सेंटेंस में हम लोग मान चलते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, इट है, और उसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, वाज होगा। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं बच्चा, कैसे बनाएंगे लिखिए। ठीक है बच्चा, व्हाट एन अपॉर्चुनिटी होता ना, कि मान लीजिए आपको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला, बहुत अच्छा मौका मिला, अब उस मौका का आप क्या करते हो, लुत्फ उठाना नहीं चाहते हो, तो आपके घर वाले कहते हैं कि ना कितना बेवकूफ, इतना अच्छा मौका मिला है, इतना अच्छा मौका, मतलब वो क्या होते हैं बच्चा, सरप्राइज हो जाते हैं ना, क्या हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं, आश्चर्य हो जाते हैं कि इतना अच्छा मौका और तुम उसको ठुकरा रहे हो। तो बच्चा व्हाट एन अपॉर्चुनिटी, मतलब बच्चा यहां पर क्या हो रहा है, सरप्राइज फीलिंग हमको दे रहा है सेंटेंस में। जब सरप्राइज देता है तो सेट को किसमें चेंज करते हैं, जल्दी जल्दी बताओ बच्चा, जल्दी जल्दी बताओ, एक्सक्लेम विद सरप्राइज में चेंज करते हो। तो यहां पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, इनवर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट का प्रयोग कर लो। ठीक है, उसके बाद नहीं है हमारा कोई सब्जेक्ट, नहीं हेल्पिंग वर्ब, तो किसका प्रयोग कर लो, इट वाज का प्रयोग कर लो, किसका प्रयोग कर लो, इट वाज का प्रयोग कर लो। ठीक है, एन अपॉर्चुनिटी के पहले बच्चा एक शब्द यूज कर लेंगे, मतलब एक एडजेक्टिव का वर्ड यूज कर लेंगे, ताकि हमें ये किसी को बता पाएं, ये समझा पाएं कि जो मौका था वो बहुत बड़ा मौका था, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब ही होता है अपनी भावनाओं को जोरदार तरीके से व्यक्त करना। अगर हम लिख देंगे अपॉर्चुनिटी, तो मतलब बच्चा वो फीलिंग नहीं दे पाएगा। जब हम कोई ऐसे इसके पहले ऐसे एडजेक्टिव का यूज कर ले जो हमें ये फील करा दे कि जो अपॉर्चुनिटी था, जो मौका था, बहुत बड़ा था, तब हम कहेंगे बच्चा ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, राइट, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब ही होता है अपनी भावनाओं को जोरदार तरीके से प्रयोग करना। तो वो शब्द हम क्या यूज कर लेंगे बच्चा, वो एडजेक्टिव क्या यूज कर लेंगे अपॉर्चुनिटी के पहले, तो ग्रेट का यूज कर लेंगे। क्यों, क्योंकि बताया ना कि व्हाट और हाउ ये दोनों शब्द ऐसे हैं जो क्या करते हैं बच्चा, हमको सरप्राइज फील करवाते हैं, तो इन दोनों की जगह पर हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, वेरी या फिर ग्रेट का। तो बच्चा अब वेरी अपॉर्चुनिटी अच्छा नहीं लग रहा है, ये अच्छा लगेगा, एंड ग्रेट अपॉर्चुनिटी ये अच्छा लगेगा, इसलिए क्या करेंगे बच्चा हम किसका प्रयोग कर लेंगे, ग्रेट का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, एंड ग्रेट अपॉर्चुनिटी लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का सफर खत्म होता है। अगर समझ में आया होगा बच्चों तो कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा कि समझ में आ गया। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया फिर भी आप क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, क्योंकि फीडबैक अगर आप देंगे उसी हिसाब से हम आप क्या करेंगे, आपको बच्चा पढ़ाते रहेंगे। ठीक है,